हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉडल फिन्स इन फिशेस। एंड ये क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉडल फिन्स या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉडल फिन्स, एंड इसका इम्पॉर्टेंट क्या है फीडिंग बिहेवियर में, वो आता है। तो मॉडिफिकेशन या टाइप्स बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट इन फीडिंग बिहेवियर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी और आज मैं छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो फिन्स की बात करें तो फिन्स क्या होता है जनरली फिशेज में होता है। फिन्स मे बी डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ द फर्म अपेंडिजेस दैट आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड बैलेंस इन फिशेज। तो ये एक फॉर्म होता है अपेंडिजेस का, जो कि एक ऑर्गन होता है ऑफ लोकोमोशन एंड बैलेंस, जो बैलेंस बनाता है। एंड सम हाउ ये फीडिंग बिहेवियर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछा गया है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन जो हमारा मेन टॉपिक है कॉडल फिन वो हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिन्स आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज मीडियन और अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब इसमें पेयर नहीं होगा, कपलिंग नहीं होगा, मीडियन और अनपेयर्ड कहते हैं जैसे। सेकेंड इज लेटरल और पेयर्ड फिन्स होता है, जिसके अंडर आपके पेक्टोरल और पेल्विस जो फिन्स होते हैं इसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं। जबकि हमारा मीडियन या अनपेयर्ड में आपका डॉर्सल फिन, एनल फिन एंड कॉडल फिन है। तो अभी हम मीडियन फिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम कॉडल फिन के बारे में देखेंगे, जो कि मीडियन फिन के अंदर ही आता है, यानी अनपेयर्ड फिन होता है। मीडियन फिन जो होता है लोकेट होता है मीडियन लाइन पे, लोकेटेड ऑन द मीडियन लाइन एंड दे आर अनपेयर्ड। ओके, एंड दे आर डॉर्सल, कॉडल फिन एंड एनल फिन। तो ये तीन प्रकार के होते हैं मीडियन या अनपेयर्ड फिन। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉडल फिन, इसके मॉडिफिकेशन को हम देखेंगे। सो कॉडल फिन क्या होता है, अ टाइप ऑफ मीडियन फिन और अनपेयर्ड फिन। द कॉडल फिन इज अ वेल डेवलप्ड इन मोस्ट फिशेस बिकॉज इट प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरवर्ड प्रोपल्शन ड्यूरिंग द स्विमिंग। तो आगे की तरफ जो मूव करते हैं फिशेस ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आगे की तरफ मूव करें माउथ से। जब ये कॉडल फिन बेसिकली जो होता है, ये टेल फिन कहते हैं इसको, टेल फिन भी होता है ये। और ये जो आपका जो पोस्टीरियर बॉडी होती है वहाँ पे होता है, ये पोस्टीरियर रीजन पे होता है बॉडी में। सपोज़ ये आपका इस तरीके से बॉडी है फिशेस की, तो ये इधर पोस्टीरियर रीजन पे होगा, इसलिए टेल फिन भी कहते हैं। और ये जो बॉडी की मूवमेंट होती है, इसको आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ये कॉडल फिन बहुत वेल डेवलप होते हैं बहुत सारे ऐसे फिशेस में। तो ये जो फॉरवर्ड प्रोपल्शन होता है ड्यूरिंग स्विमिंग, उसको क्या करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कॉडल फिन इन द मोस्ट ऑफ द फिशेस इज हाईली डेवलप विद अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक हिपोकैम्पस एंड सम ऑफ द अदर एल्स में ये नहीं डेवलप होता है फुल्ली, जबकि कॉडल फिन होता है कि मोस्ट फिशेस में हाईली डेवलप होता है। जो हमने देखा है ना कॉडल फिन, जैसे कि जो स्विमिंग वगैरह करते हैं अपने पैरों में पहनते हैं फ्लिप, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप का ये भी क्या है, स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्ट ऑफ द फिशेस में फुल्ली डेवलप होता है, लेकिन कुछ में एक्सेप्शन होता है, नहीं डेवलप होता है, जैसे कि हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं एंड सम अदर फिशेस लाइक इल में नहीं डेवलप होता है। इन हिप्पोकैम्पस द टेल इज प्रीहेंसाइल। सो ये जो इनका जो हिप्पोकैम्पस में टेल जो रीजन होता है वो प्रीहेंसाइल होता है। प्रीहेंसाइल का मतलब कुछ कैच करने के लिए, ग्रेस्पिंग के लिए, समथिंग लाइक दैट। इन बॉटम ड्वेलिंग रेज, जो बॉटम ड्वेलिंग रेज होते हैं उनमें जो कॉडल फिन्स होता है टेंड्स टू बिकम रिड्यूस, उसमें जो ये फिन होता है रिड्यूस होता है। एंड इन स्टिंग रेज में क्या होता है, जो द जो कॉडल फिन होता है वो एब्सेंट होता है। जो स्टिंग रेज होती हैं, स्टिंग रेज फिशेज होती हैं, वो एकदम अलग होती हैं। सो कॉडल फिन क्या होती है, जो कॉडल फिन होती हैं इसको नोट कर लीजिए आप, जो कॉडल फिन होती है सराउंडिंग द एंड ऑफ द टेल, वो जो टेल रीजन होता है उसको सराउंड करती हैं। एंड ये बनी होती हैं डॉर्सल एपिकॉडल लोब और
वेंट्रल हाइपोकॉर्डल लोब, इसमें टू लोब होता है, एक तो डॉर्सल एपिकॉर्डल लोब होता है, दूसरा वेंट्रल हाइपोकॉर्डल लोब होता है। तो डॉर्सल आपका एपिकॉर्डल, वेंट्रल होता है हाइपोकॉर्डल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसको अपर और लोअर भी कहते हैं, अपर और लोअर लोब भी कहते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमें आगे समझ आएगा। जो अपर लोब होता है जैसे कि एपिकॉर्डल, एंड जो लोअर होता है हाइपोकॉर्डल, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो कॉर्डल, जो कॉर्डल फिन होता है उसमें टू लोब्स होते हैं, हाइपो एंड एपिकॉर्डल लोब। तो जो स्टिंग रेज फिशेज होती हैं उसमें कॉर्डल फिन एबसेंट होता है। द कॉर्डल फिन एग्जिबिट्स डिफरेंट शेप इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ फिशेज correlated with their habits. तो habit के according इनका जो shape है वो different होता है in different group of fishes, and they are six types of caudal fins are follows. तो ये modification of या types पूछे या फिर पूछे कि modification of caudal fin, तो आप यही लिखेंगे, types ही लिखेंगे, because ये modification के अंदर ही आता है। तो many fishes have specialized modified types of caudal fin, and they are पहला है, सो फर्स्ट इज, यस फर्स्ट इज प्रोटो सर्कल, जिसे फर्स्ट टेल कहते हैं। तो प्रोटो सर्कल है और ये इसको फर्स्ट टेल कहते हैं। तो इस टाइप में कैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ द एंसेस्ट्रल टाइप ऑफ टेल, ये एंसेस्टर में जैसा होता था उस टाइप का ये टेल होता है। एंड इज लोब कंसीडर टू बी मोस्ट प्रिमिटिव, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें जो पोस्टीरियर एंड होता है ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज स्ट्रेट, जो पोस्टीरियर एंड होता है, मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट होता है, जो पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड होता है। एंड डिवाइड्स द कॉडल फिन इनटू टू इक्वल लोब्स, तो ये कॉडल फिन को टू इक्वल लोब में डिवाइड करता है। जो ये मान लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्री है, नोटोकॉर्ड है, ये क्या करता है, जो कॉडल फिन होता है उसको टू लोब में डिवाइड करता है इस तरीके से, ठीक है, टू लोब्स में डिवाइड करता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो टू लोब्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है स्ट्रेट होता है, और ये कॉडल फिन को टू इक्वल लोब में डिवाइड करता है। इक्वल वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका डिफरेंसेस होता ना, मॉडिफिकेशन अलग अलग होगा, तो इक्वल लोब होता है, यहाँ पे अनइक्वल लोब नहीं होता है। तो जो अपर लोब होता है उसको हम एपिकॉर्डल कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर आपको बताया है। जो लोअर होता है यानी जो वेंट्रल होता है, इसको वेंट्रल लोअर या लोअर लोब भी कहते हैं, जिसको हाइपोकॉर्डल कहते हैं, जबकि अपर को हम डॉर्सल भी कहते हैं और एपिकॉर्डल। तो ये टर्म जो है ना, इसको अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, ये याद कर लीजिएगा। जो अपर है वो डॉर्सल है, और जो लोअर है वो वेंट्रल है, और इसका नाम भी याद करिए, लोअर मतलब हाइपो, हाइपो का मतलब ही कम होता है, तो कम मतलब नीचे है तो लो है, एपी का मतलब ऊपर है तो अपर हो गया। तो दो लोब में डिवाइड करता है जो कि इक्वल होते हैं। तो हियर इज़ द स्ट्रक्चर, यस यहाँ पे मैंने जस्ट रफ डायग्राम बनाया है, तो ये देख सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये मान लीजिए आपका टेल रीजन हो गया, और ये टेल रीजन इस तरीके से बनाया है। यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि इस रीजन को टू लोब्स में डिवाइड कर रहा है। जो ये लोब है ऊपर वाला, इसको अपर लोब कहते हैं, नीचे वाला लोब लोअर लोब होता है, यानी हाइपोकॉर्डल एंड एपिकॉर्डल होता है, जो कि इक्वल लोब है, ये दोनों लोब इक्वल है, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत सिंपलेस्ट टाइप का होता है ये, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये लोब का जो साइज और शेप है अलग अलग होने लगेगा। तो ये जो लार्वल फेसेस होती है ना, उसमें होता है इस टाइप का जो लार्वल फेसेस होती हैं उसमें होता है। नेक्स्ट कम टू द हाइपो, सॉरी हेट्रोसर्कल, फुल्ली हेट्रोसर्कल इसका नाम दिया गया है। तो हेट्रोसर्कल क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंसेस होता होगा, तो डिफरेंसेस किस में होता है, लोब में, कॉडल लोब में, ठीक है। इट अकर्स इन सम ऑस्ट्रेकोडर्म में होता है, प्लेकोडर्म में होता है, ये इस टाइप का जो पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है या वर्टिब्रल एक्सिस होती हैं वो बेंट हो जाती हैं अपवर्ड, यानी ऊपर के साइड पे जो अपर लोब होता है उसकी तरफ ये बेंट हो जाती है, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। फिर क्या होता है, आर कंटिन्यूस अप टू द एंड ऑफ द कॉर्डल फिन, और ये पूरे एंड तक होती हैं, मतलब पूरे लोब के पोस्टीरियर साइड तक होती हैं।
इन द अपर लोब में। तो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी जिससे क्या होता है, जो अपर लोब होता है वो लॉन्गर होता है, यानी एपिकॉडल लॉन्गर होता है देन द लोअर लोब, यानी हाइपोकॉडल जो होता है वो स्मॉल साइज होता है, यानी ये क्या कर रहा है, लोब्स को अनइक्वली डिवाइड कर रहा है, इसमें जो वर्टिबल कॉलम है अनइक्वली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एज यू कैन सी ये देख सकते हो, ये जो है ये टेल रीजन है, यहाँ पे दो लोब में डिवाइड कर रहा है। जो वर्टिबल कॉलम है मैंने बताया ये अपर लोब की साइड जाता है एकदम एंड तक, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। तो जिससे कि जो ऊपर वाला साइज है आपको दिख रहा है, अगर आप देख रहे होगे तो क्लियरली ऊपर वाला जो है उसकी साइज थोड़ी बड़ी लग रही है, ये वाली लोब बड़ी लग रही है जबकि नीचे वाला छोटा हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हल्ली हेट्रोसर्कल कॉडल फिन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये किस में पाया जाता है ये भी मैंने बताया। नेक्स्ट कम टू द हाइपोसर्कल। हाइपो का मतलब कमी होता होगा, तो यहाँ पे इसको हम रिवर्स हेट्रोसर्कल भी कहते हैं। रिवर्स हेट्रोसर्कल का मतलब क्या होगा, जो लोब है अपर लोब है वो क्या होगा, अब छोटा हो जाएगा। रिवर्स का मतलब ही है ये उल्टा हो जाना, तो इसमें रिवर्स हेट्रोसर्कल यानी फुल्ली हेट्रोसर्कल का ये उल्टा होता है, तो आपको इससे समझ आना चाहिए। इट अकर्स ओनली इन सम ऑस्ट्रेकोडर्म में होता है ये, ठीक है। द वर्टिबल एक्सिस इज बेंट डाउनवर्ड एंड एंड्स इन द लोअर लोब। और ये जो वर्टिबल वो होते हैं कॉलम होता है, ये इसका झुकाव किस टाइप हो जाता है, यानी किस में चला जाता है, ये लोअर लोब में, यानी हाइपो कॉडल में चला जाता है, लोअर लोब में। तो इससे क्या होगा, जो अपर लोब होगी इसकी इसकी साइज स्मॉल हो जाएगी, और जब लोअर लोब है उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें जो अपर लोब है वो थोड़ा स्मॉल है, जबकि जो नीचे वाला लोअर लोब है थोड़ा सा साइज से बड़ा है, यानी लॉन्गर है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द एब्रीविएटेड हेट्रोसर्कल। एब्रीविएटेड हेट्रोसर्कल क्या होता है, इट अकर इन होलस्टाइन में होता है, एंड द वर्टिबल एक्सिस या वर्टिबल कॉलम जो होता है इट बेंड्स अपवर्ड, यानी ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है पर पूरा एंड तक नहीं होता। ये जैसे कि हमने पढ़ा था ना, ये कॉडल फिन के एकदम एंड तक होता है, पोस्टीरियर तक हो जाता है, जबकि ये इसमें क्या होता है, जो अपर लोब होता है वो एबसेंट होता है, इसमें लोअर लोब जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी टू लोब्स में नहीं डिवाइड होता है, और जो बेंट होता है ये आप ऊपर की तरफ बेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने बनाया है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं इस तरीके से बना दूंगी। तो इसमें देखिए जो अपर लोब है वो नहीं है, लोअर लोब प्रेजेंट होता है, और जो ये वर्टिब्रल कॉलम होता है इस तरीके से ऊपर की तरफ इसका झुकाव होता है, तो इसको कहते हैं एब्रीविएटेड हेट्रोसर्कल। ओके, नेक्स्ट आते हैं होमोसर्कल। होमो मतलब यहाँ पे इक्वल होगा समथिंग, होमो मतलब समान होता है। तो इसमें देखते हैं, इट अकर्स इन मैनी चेलियोस फिसेस में ये पाया जाता है, एंड द वर्टिबल एक्सिस जो होता है वर्टिबल कॉलम होता है ये बेंट हो जाता है ऊपर की तरफ इन द टर्मिनल पार्ट की ओर, ठीक है। एंड अपर लोब इज एबसेंट वाइल द लोअर लोब इज इक्वली डिवाइडेड इनटू सम फेसेस। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर आपको अभी ये समझ आ रहा होगा, हेट्रोसर्कल तो सेम ही है, एब्रीविएटेड जैसा सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस भी होता है, अभी हमें आगे उसको पॉइंट को नोट कराऊंगी। तो आपको लगेगा ये दोनों तो सेम ही है, डिफरेंसेस क्या है, जो अपर लोब होता है ना वो इसमें भी एब्सेंट होता है, जबकि लोअर लोब जो होता है या तो इक्वली डिवाइड होगा कुछ फेसेस में, या तो फिर नहीं होगा, या तो फिर सीधे जैसे कि एब्रीविएटेड में था वैसे ही होगा। तो यहाँ पे जो देख सकते हो, इसमें मैंने टू टाइप का बताया है, टू टाइप का हो सकता है, इसमें फॉर्क्ड भी हो सकता है और राउंडेड भी हो सकता है। तो इसमें भी जो ये वर्टिबल कॉलम होता है ऊपर की तरफ हो रहा है, जबकि इसमें अपर लोब है वो एब्सेंट है, और ये जो कुछ फिसेस ऐसी भी होती है जिसमें ये फॉग्ड शेप होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोअर लोब है टू डिवाइड्स हो जाता है, टू पार्ट्स में इक्वली इक्वल है, और ये ऊपर की तरफ होता है आपका वर्टिबल कॉलम। सो अब हम देखते हैं डाइफाई सर्कल। ओके, डाइफाई सर्कल कैसा होता है, तो डाइफाई सर्कल क्या होता है, डाइफाई सर्कल जो होता है ये क्रॉसोप्टेरियंस में होता है, एल्स में होता है और पॉलिप्टेरस में होता है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिबल एक्सिस होता है वो टोटली जो फिन है उसकी एंड तक जाता है, तो अपर जो और लोअर लोब्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इसमें। तो आपको लगेगा कि इसमें भी तो सिमिलैरिटीज़ है, नहीं इसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है। इसमें देख सकते हो कि जो हमने होमो सर्कल में पढ़ा था, प्रोटो सर्कल देखा था, उसमें भी तो ऐसे ही था, इक्वली था, लेकिन इसमें जो ये वर्टिब्रल कॉलम है पूरी एंड तक जाता है, पोस्टीरियर एंड तक जाते हैं, एंड इसमें भी लोब्स इक्वल होती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। नोट करने वाला पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो, सो ये नोट कर सकते हो, व्हेन डॉर्सल एंड
एनल फिन यूनाइट विद द कॉडल फिन टू मेक अ कंटिन्यूस मीडियन फिन, द टेल इज कॉल्ड जी फायरो सर्कल. जब ये तीनों क्या होते हैं, एनल फिन्स, कॉडल फिन्स, डॉर्सल फिन यूनाइट हो जाते हैं ना, तो ये मीडियन फिन बनाते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ मीडियन फिन ही है, तो इसको हम जिफायरो सर्कल कहते हैं, जिफायरो सर्कल. अब आते हैं जो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि हम हेट्रोसर्कल और होमोसर्कल टाइप में कैसे डिफरेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन एक मार्जिन मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है. लेट्स सी क्या क्या है. जो एब्रिएटेड हेट्रोसर्कल होता है, मतलब एब्रिविएटेड हेट्रोसर्कल होता है, और जो होमोसर्कल टाइप होता है, मे अपीयर टू बी सिमिलर. आपको एक जैसा ही दिख रहा था, ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बताया था, एब्रिविएटेड जो था और होमोसर्कल टाइप था, आपको सिमिलर दिख रहा था. लेकिन क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो होमोसर्कल टाइप है, ये हेट्रोसर्कल टाइप से ही आया है. तो क्या कंडीशन होगी इसमें, कि जैसे कि सपोज ये बता रहा है कि इसमें जो होमोसर्कल टाइप है, ये हेट्रोसर्कल टाइप से ही आया है, और इसीलिए वजह से इनमें सिमिलैरिटीज़ होती है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, जो कि अभी मैं डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंसेस होता है. एब्रिविएटेड में आपने देखा कि दोनों में क्या था, होमोसर्कल में डिफरेंसेस क्या, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी, आपने देखा था. इसमें भी जो अपर लोब है एब्सेंट है, दोनों में एब्सेंट होंगे, तो इसमें जो कॉलम था वर्टिब्रल कॉलम वो अपर साइड जाता है, इसमें भी जाता है, तो डिफरेंसेस क्या था, डिफरेंसेस है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो देख लेते हैं. इन होमोसर्कल टाइप द फ्लैशी पार्ट ऑफ द टेल एंड्स ब्लंटली. तो इसमें जो टेल रीजन होता है वो ब्लंट होता है, सोइंग अ मार्जिन अराउंड अ मार्जिन, और एक मार्जिन दिखाता है, एक राउंड मार्जिन दिखाता है, सोइंग अ राउंड मार्जिन, ओके. जबकि एब्रिविएटेड में क्या होता था, जो एब्रिविएटेड में है, इसमें जो एब्रिविएटेड हेट्रोसर्कल टाइप है, इसमें जो फ्लशी पार्ट है टेल का, वो एक्सटेंड हो जाता है फार्दर पोस्टीरियरली टूवर्ड्स द अपर एज, अपर एज की तरफ एंड होता है. जो फ्लशी पार्ट होता है वो पोस्टीरियर जाता है अपर एज की तरफ, तो ये चेंजेस होता है दोनों में. इम्पॉर्टेंस क्या होता है, इम्पॉर्टेंस की बात करें तो बेसिकली ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है बहुत सारे फेसेस में, क्योंकि ये प्राइमरी अपेंडिसेज होती हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर लोकोमोशन इन मैनी फेसेस, एंड ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में भी, जो लोग यूज करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज स्पीसीज, तो स्पीसीज के डिफरेंट टाइप्स को पता करने के लिए कि कौन सा फिश कैसा है इसके प्रेजेंस की वजह से. सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको पीजीटी बायो के नोट्स मिल जाएंगे, आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, सो गो एंड चेक प्लेलिस्ट, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. एंड वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.